जी सर बताइए, आनासागर एक ऐतिहासिक झील है, इस झील में काफ़ी नदियाँ आती है, उसी में एक भांडी नदी जो ऐतिहासिक नदी है, 5 किलोमीटर लंबी नदी जो मैंने अभी देखी कि जलकुंभी से भरी हुई है एक हिस्सा और एक हिस्सा खाली। मुझे सूत्रों से और मिलने वालों से पता चला कि एक हिस्सा आपके वार्ड में आता है जिसमें सफाई निरंतर आप कराते तो वो क्लियर है, लेकिन जलकुंभी फैलने का मुख्य कारण क्या बताया? जलकुंभी अजमेर में 10 साल पहले लगभग जलकुंभी का नामोनिशान नहीं था, ये किसी शरारती तत्व द्वारा जाके लाके जलकुंभी डाली गई और ये पाँव पसारती गई। पहले नगर निगम उदयपुर से मशीन किराए पे मंगाता था, वर्तमान में हमारे पास डिविडिंग मशीन है नगर निगम के पास। और जहां आप मेरी सफाई की बात कर रहे हैं तो इसमें नियमितता से जैसे ही एक जलकुंभी का पत्ता दिखता है, अगर ज़्यादा तादाद में कहीं जलकुंभी हो जाती है तो मशीन से साफ कराता हूँ, बाकी कहीं एक पत्ता या एक जड़ दिखते ही मैं तुरंत से किसी अपने जुगाड़ तरीके से मैं उसको बाहर निकाल देता हूँ। तो मेरे वार्ड वाली वार्ड की पार्ट है वो बिल्कुल साफ है, लेकिन जो आज अपन पूरा शहर कह रहा है कि आनासागर में जलकुंभी है, सब कुछ है, और वाकई स्थिति यह है कि आनासागर एक बहुत बड़ा घास का और खेल का क्रिकेट का मैदान नुमा बन गया जलकुंभी के कारण। और अजमेर पर्यटन स्थल है, धार्मिक नगरी है, ब्रह्मा जी की नगरी है, ख्वाजा साहब की नगरी है, यहाँ जायरीन आते हैं, यात्री आते हैं, और गलती से कोई जायरीन यात्री या पशु पक्षी कोई इस जलकुंभी में गिर गया तो उसको वो फंस जाएगा, उसकी जान बचाना मुश्किल होगा। इसका मूल कारण बांडी नदी है, बांडी नदी से अगर जलकुंभी को 100% साफ कर दिया जाए तो आनासागर जलकुंभी नहीं आएगी। नगर निगम अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, नगर निगम की डिविडिंग मशीन लगी हुई है वो काम कर रही है, श्रमिकों से नगर निगम समय समय पे काम कराती रहती है। लेकिन ये बताइए कि जो एक मशीन है वो कितना काम करेगी? लेकिन हाँ, मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि नगर निगम जब अपने काम को अच्छे से अंजाम कर रही है, केंद्र सरकार से करोड़ों रुपए आया है, इसकी चौपाटी बनी है, आनासागर झील का संरक्षण हो रहा है, परसों माननीय समीर शर्मा जी भी अजमेर आकर अवलोकन करके गए थे झील का, ऐसे मौके के अंदर मैं कहूँगा कि राज्य सरकार को भी आगे आना चाहिए। और आजकल तो बहुत वैज्ञानिक तरीके आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो जल के जीवों को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, जलकुंभी को समाप्त कर देते हैं। माननीय महापौर महोदया ने प्रयास भी किया है और कोशिश कर रही है नगर निगम और महापौर महोदया कि वो केमिकल या वो बैक्टीरिया आके जल्दी इसमें डल जाए और महीने भर के अंदर वो जलकुंभी को ख़त्म करने लग जाएगा और किसी भी प्रकार के पशुओं के जल के जीवों के लिए वो हानिकारक नहीं है, वो बैक्टीरिया आ रही है। नगर निगम, बहुत कहने का मतलब है, नगर निगम बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार का भी उत्तरदायित्व तो बनता है। राज्य सरकार भी अपने सारे दूसरे काम छोड़कर और कुछ ध्यान इनको आनासागर झील की तरफ देना चाहिए। बहुत सारा राजस्थान में बड़े बड़े संसाधन हैं, अन्यत्र से कहीं से भी महीने 15 दिन के लिए संसाधन मंगा के जो आनासागर और बांडी नदी में जलकुंभी उसका समूल उसको एक बार साफ कर दे तो दोबारा वो जलकुंभी नहीं आएगी। और सतत इसके ऊपर मॉनिटरिंग करें कि जहाँ भी जलकुंभी दिखी थोड़ी सी और उसको साफ कर दे, क्योंकि ऐसी वनस्पति जो बहुत तेजी से बढ़ती है। तो राज्य सरकार का इसमें मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, इसमें राज्य सरकार, जिलाधीश महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और जो दूसरे प्रशासनिक अधिकारी हैं, नगर निगम के भरोसे नहीं रहे। हर आदमी नगर निगम को दोष देता है, नगर निगम बहुत अच्छे से काम कर रहा है क्योंकि मेरे पार्ट के अंदर ये क्षेत्र में आता है और मैं पूरी ध्यान रखता हूँ। नगर निगम जैसे ही कहते मशीन भेजता है, साथ में 2200 रुपये घंटे की L&T मशीन इसके साथ निकालता है बाहर दीवार से जलकुंभी निकालने के लिए। इतना करने के बाद में भी जलकुंभी काबू में नहीं आ रही है तो इसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप करे और हमारे आनासागर को, जो आनासागर मेरे अजमेर का है, मेरा है, आपका है, सबका है, हमारा आनासागर है और प्रात तो महत्व का आनासागर है, इस आनासागर को बचाने के लिए राज्य सरकार को आगे आना चाहिए। आप ये बताइए सर कि अगर जलकुंभी पूरे आनासागर में फैल जाती है तो इस ऐतिहासिक झील का क्या है? हमने किसी ज़माने में किशनगढ़ का गुंदेलाव तालाब देखा था, वहाँ जलकुंभी बहुत बुरी तरह से फैली हुई थी। अगर ये जलकुंभी का निदान शीर गतिशील यानी बहुत जल्दी हफ्ते दो हफ्ते में नहीं किया गया तो ये आनासागर को एक हरी चादर के रूप में लपेट लेगा, बना देगा और इसके अंदर जो भी मछली और जलीय जीव हैं वो समाप्त हो जाएंगे, जो प्रदूषण है वो बढ़ जाएगा, पर्यटक का आना तो दूर की बात है झील के पास में, पर्यटक और हम स्थानीय निवासी जो सड़क के किनारे से आज सुंदर चौपाटी दिख रही है वहाँ से आवागमन भी दुर्लभ हो जाएगा और बहुत दुष्परिणाम इसके आ सकते हैं। आपका नाम और पता बताइए। ज्ञान सारस्वत, पार्षद, वार्ड संख्या 3, नगर निगम अजमेर।